डिलीजेंट स्टडी ACK में आपका स्वागत है। मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो अपलोड करनी थी पर मैं नहीं कर पाई थी, थोड़ा टाइम नहीं मिला। तो इस हफ्ते मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2 से ज़्यादा वीडियोस डाउनलोड कर सक अपलोड कर सकूँ ताकि हम ये चैप्टर बहुत जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी चाइना और जापान की, जो कि हम इस चैप्टर में हम इन दो कंट्रीज़ को हम कवर करेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी मैंने, और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम कुछ स्कॉलर्स के नाम डिस्कस करेंगे, कुछ हिस्टोरियंस के नाम डिस्कस करेंगे जिनका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, जिनका काफ़ी, जिनकी राइटिंग्स का, जिनके लेखन का काफ़ी महत्व है इन दोनों कंट्रीज़ को हमारे जानने में, वर्ल्ड के सामने ये कंट्रीज़, इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं स्कॉलर्स के माध्यम से मिलती है। तो हम बिना टाइम गवाए जल्द से जल्द शुरू करते हैं अपना। पहला जो स्कॉलर है जिसकी मैं डिस्कशन करूँगी वो है सीमा चिन। सीमा चिन एक चाइनीज़ हिस्टोरियन थे। हैन डिनेस्टी में ये एक कोर्ट में एज अ स्क्राइब या एज एन एस्ट्रोनॉमर काम करते थे, और इनके ऊपर एक जिम्मेवारी थी काफ़ी, इनको हिस्ट्री, इन एक ना अपनी हिस्ट्री लिखनी थी। इनके पिता जो सीमा तैन थे वो भी इसी कोर्ट में थे, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर थे, और वो जब अपने डेथ बेड पे थे, जब बिल्कुल मरने वाले थे, तो उन्होंने अपने बेटे सीमा चिन से ला के कहा था कि देखो हिस्ट्री मैं लिखना चाहता हूँ, ये मेरी बड़ी इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि मैं हिस्ट्री लिखूँ इस पीरियड की, अपने मतलब चाइना के लिए कुछ हिस्ट्री, मतलब एक मैं प्रोडक्ट, मतलब अच्छा खासा अकाउंट छोड़ के जाना चाहता था, पर मैं वो कर नहीं पाया। तो तुम एक काम करना, जो मैं नहीं काम कर पाया उसे तुम पूरा करना। तो अपने पिता की इच्छा का मान रखते हुए सीमा चिन ने क्या किया कि ये एज अ कोर्ट हिस्टोरियन उनकी डेथ के बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया उसी कोर्ट में। अब सीमा चिन एक बहुत, सीमा चिन को आज भी हम चाइना में इस तरह से जानते हैं कि भाई इनको फादर ऑफ चाइनीज़ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इनका जो काम है रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड हिस्टोरियन, इसमें इन्होंने कई सारे डिनेस्टीज़ का जिक्र किया है, जैसे जिया डिनेस्टी हो गया, शांग डिनेस्टी हो गया, इंपॉर्टेंट डिनेस्टीज़ के इंपॉर्टेंट रूलर्स का इन्होंने काफ़ी सारा बहुत डिटेल अकाउंट दिया हुआ है। प्लस जो आज कैलेंडर चाइना में यूज़ होता है, तो जो काफ़ी सारे जो काफ़ी लोग थे जिन्होंने कैलेंडर के ऊपर काम किया था, चाइनीज़ कैलेंडर के ऊपर काम किया था, तो उन काफ़ी लोगों में से एक नाम सीमा चिन का भी आता है। ये एक बहुत ही माने हुए एस्ट्रोनॉमर भी थे, जो कि सितारों की दिशा देख के कुछ इंटरप्रिटेशंस करके अपनी कोर्ट में देते थे। हुआ क्या, एक बार की बात है, ये एक किस्सा ही है सीमा चिन के का, कि जब ये कोर्ट में एम्प्लॉयड थे, इनके बेसिकली ये बताना था कि इनकी कितनी कमिटमेंट थी हिस्ट्री लिखने के लिए, इनकी कमिटमेंट की हद थी। एक बार क्या हुआ, इन्होंने अपने रूलर को कर दिया नाराज़। क्या किया, इनके जैसे रूलर्स होते हैं वो इधर अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाने के लिए, अपने एरिया ऑफ कंट्रोल को बढ़ाने के लिए वॉर्स लड़ते हैं, कई जंग जीतते हैं, कई हारते हैं। तो कई बार ऐसा, एक जंग ऐसी हुई जिसमें इनके जो रूलर थे चाइना में के जो रूलर थे, हैन डिनेस्टी के जो रूलर थे, उनका जो जनरल था, मिलिट्री जनरल था, वो दुश्मन कैप्चर कर लेते हैं, और क्योंकि वो एक बहुत अच्छा जनरल था, उसकी उससे ट्रेनिंग दिलवाते हैं अपने आर्मी के लोगों को। तो जब एम्परर को ये पता चलता है कि मेरा ही जनरल कैप्चर होके वहाँ पे मेरे ही दुश्मनों को ट्रेन कर रहा है, तो बहुत नाराज़ हो जाता है, और उसकी जो फैमिली होती है उसको मारने के लिए ऑर्डर्स निकाल देता है। सीमा चिन को ये चीज़ ठीक नहीं लगती, तो वो अपने एम्परर को इस चीज़ को करने से रोकता है, उसे अपोज करता है। एम्परर नाराज़ हो जाता है और उसको डेथ पेनल्टी दे देते हैं। पर डेथ पेनल्टी वहाँ पे इस टाइम पे ये रिवाज था कि अगर कोई भी आप बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पे हो, तो आपके पास ये एक प्रिविलेज होता है कि आप डेथ पेनल्टी लो या ह्यूमिलिएशन लो, या आप डेथ एक्सेप्ट कर सकते हो या आपको एक ह्यूमिलिएटिंग प्रोसेस होता है वो जो उन्होंने रखा होता है इस तरह की पनिशमेंट्स के लिए, तो या डेथ पे लो या आप ह्यूमिलिएशन, आप एक पर्टिकुलर तरीके की आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी उस तरह उस वो आप या वो आप एक्सेप्ट करो। तो क्योंकि सीमा चिन की बहुत ज़्यादा कमिटमेंट थी अपने फादर को, उन्होंने एक तरह से प्रॉमिस किया था कि हिस्ट्री मैं लिखूँगा, जो आप रिकॉर्ड लिखना चाहते थे, प्रोड्यूस करना चाहते थे, वो मैं पूरा करूँगा, वो काम मैं पूरा करूँगा। तो उसके लिए सीमा चिन ने क्या किया, डेथ पेनल्टी को छोड़ के उस ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट किया जिसके साथ वो सारी ज़िंदगी रहे, ठीक है। और नॉर्मली ऐसे केसेस में मैं ये बता दूँ कि इतनी ह्यूमिलिएशन को अवॉइड करने के लिए नॉर्मली जो उसको लोग होते थे, जो हाई प्रोफाइल लोग होते थे जिनको कई बार ये ऑप्शन मिलता था, वो नॉर्मली डेथ ही प्रेफर करते थे, पर सीमा चिन ने ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट की। क्यों? क्योंकि उनको हिस्ट्री का ये रिकॉर्ड करना था। तो ये एक छोटा सा किस्सा था सीमा चिन के लिए। अब जल्दी आगे बढ़ते हैं। मैट्योरिकी, ये एक इटालियन जेसुइट, जेसुइट जहाँ ये वर्ड आता है दैट मीन्स कि वो किसी कैथलिक सोसाइटी के साथ उसका पार्ट है। मतलब दो वर्ड आप याद रखो, मिशनरी वर्क एंड चैरिटेबल वर्क, इन दो वर्ड्स से
वर्ड्स का बड़ा महत्व है इस जब भी ये जेसुइट वर्ड आ जाता है। तो मैट्योरिकी क्या हुए थे, चाइना आए थे एक मतलब एक मिशनरी काम अपने चैरिटेबल काम के अंतर्गत ही आए थे। और जब ये वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि चाइना में जैसे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे इंडिया में यूपीएससी सिविल सर्विसेज है तो बड़ा वास्ट सिलेबस है, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उसके लिए, बहुत सारा सिलेबस है, हर तरह अलग अलग सिलेबस हैं, अलग अलग काफ़ी डेप्थ में काफ़ी गहराई में जाके याद करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो उसी तरह से चाइना में बिल्कुल ये था कि कुछ उनको तो बच्चों को जो सिविल सर्वेंट्स थे जिनको सिविल सर्विसेज में जाना होता था उनको क्लासिक्स याद करने पड़ते थे, जो चाइना में कुछ क्लासिक्स बिल्कुल उनको रट्टा मतलब रट्टा क्या आपको बिल्कुल मेमोराइज करना होता था। तो इनका महत्व ये था, इनका योगदान ये था, इन्होंने राइटिंग्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे आए थे, चाइना में आए थे, इन्होंने राइटिंग्स तो लिख प्रोड्यूस अपनी की थी, उस टाइम का जो रिकॉर्ड था वो तो हमें पता चलता है इनकी राइटिंग से। लेकिन जो मेन चीज़ थी वो इनको क्यों याद किया जाता है, वो इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने एक मेनोमिक सिस्टम डेवलप किया था। मेनोमिक सिस्टम होता है कि किसी चीज़ को याद करने का एक टेक्निक होती है, जैसे अगर आपको बहुत सारा याद करना है तो उसको याद करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम जीजुआ जिफा के नाम से यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है उसके नाम से हम जानते हैं, ये चाइनीज़ टर्म है। तो वो टेक्निक इन्होंने डेवलप की थी जिससे कि चाइनीज़ एस्पिरेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ था। ठीक है, तो अब हम अगले स्कॉलर की बात करते हैं, ये हमारे पास जापान का रिकॉर्ड है। अब जापान में देखिए, अभी यहाँ पे मैंने एक वर्ड टर्म लिखी है मेजी। अब मेजी गवर्नमेंट क्या थी, मेजी रेस्टोरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। इसमें हम फटाफट अपने स्कॉलर्स और थोड़ी सी हम तोकुगावा पीरियड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप सिर्फ ये देख लो क्योंकि मेजी गवर्नमेंट क्या है ये मैं बड़ी डिटेल में आपको अच्छे से समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हमने सिर्फ ये वाला पीरियड लेना है कि भाई 19th सेंचुरी में मेजी गवर्नमेंट ने क्या करना था, 15 कंट्रीज में अपने स्पेशल एम्बेसीज भेजने थे। क्यूमी क्यूनिते का जिक्र हम यहाँ पे करते हैं। जब मेजी गवर्नमेंट बेसिकली एक जो गवर्नमेंट है उसकी डिटेल मैं आपको अलग से दे दूंगी, लेकिन अभी हमने क्योंकि स्कॉलर पे फोकस करना है तो हम सिर्फ स्कॉलर पे ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 19th सेंचुरी में बेसिकली मेजी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि ये 15 कंट्रीज़ में अपने स्पेशल एम्बेसी भेजेंगे और इसके लिए इन्हें एक स्कॉलर की ज़रूरत थी। उस वक्त जो इनका मतलब जो चीफ एम्बेसडर था इवाकुरा, वो एक काबिल स्कॉलर की तलाश में था कि वो कौन सा स्कॉलर होगा जो इन कंट्रीज़ में जाएगा और एक अच्छा एक मतलब रिलायबल अकाउंट तरीके से हमारे लिए प्रोड्यूस कर सकेगा, हमारी कंट्री के लिए हमारे कंट्री में इनके सामने ला सकेगा, जो बड़ा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, बेसिकली इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और जो एक्सपीरियंसेस ठीक से रिकॉर्ड कर सके। तो क्यूमी कुनिते इसकी पहली जो इवैक्यूरा, अब ये जैसे इनका नाम है इवैक्यूरा तो आप कभी हिस्ट्री में पढ़ोगे ये चैप्टर या कभी इससे रिलेटेड क्यूमी कुनिते के बारे में, तो ये इवैक्यूरा मिशन के नाम से भी इस चीज़ को जाना जाता है कि ये जो मिशन स्पेशल एम्बेसी जो 15 कंट्रीज़ में भेज रहे थे। तो क्यूमी कुनिते इनकी पहली चॉइस नहीं थी, हालांकि ही उनको पता था कि क्यूमी कुनिते नाम का एक स्कॉलर है, अच्छा है, लेकिन ये फर्स्ट चॉइस नहीं थी। पर कुछ हालात ऐसे बने, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि उनको अल्टीमेटली क्यूमी कुनिते को ही अप्रोच करना पड़ा। और कहा जाता है कि क्यूमी कुनिते को जब ये पता चला कि वो इस मिशन के लिए चुने गए हैं तो उनके पास जाने के लिए इस वर्ल्ड टूर पे एक तरह से जाने के लिए सिर्फ एक ही हफ्ता बचा था। तो उस एक हफ्ते में उन्होंने तैयारी की और बड़ी फटाफट में उन्होंने तैयारी की और उसके बाद वो इस मिशन पे गए और जो उन्होंने रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया उसके बाद इसके बाद ये कहा जाता है कि ये कोई बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि इन्हें भेजा गया। उसके बाद आते हैं नायतो कुनान, ये एक जापनीज स्कॉलर थे जिन्होंने चाइना में बैठ के चाइनीज़ हिस्ट्री को पढ़ा और चाइना के रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस किया और ये चाइना की सिविलाइजेशन से इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, इतने इफेक्टेड थे कि इन्होंने ये सोचा, इन्होंने लिटरली ये कहा कि क्योंकि अब हम 20th सेंचुरी की बात करें क्योंकि 20th सेंचुरी के स्कॉलर है, जापनीज स्कॉलर है, तो 20th सेंचुरी में ये जैसे ब्रिटेन और यूएस और बाकी यूरोपियन नेशंस जैसे अलग अलग जगह जाके मार्केट्स निकाल रहे थे और ब्रिटेन और फ्रांस स्पेन और पोर्चुगल तो लिटरली कॉलोनीज अपनी ढूंढ रहे थे, जैसे इंडिया के में ब्रिटेन आया था तो ब्रिटेन ने पूरी इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था। तो ये सारी जो चीज़ें जिनसे सारे लोग अवेयर थे, जो ये जानकारी इनके पास थी उसको मद्देनजर रखते हुए नायतो कुनान ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जापान और चाइना को इकट्ठे होना पड़ेगा क्योंकि ये जो यूरोपियन नेशंस हैं ये मतलब इनकी कंट्रीज़ में भी इफेक्ट हुआ था, ये यूरोपियन नेशंस हैं, इनको रोकने के लिए, अपनी कंट्री को एक्सप्लॉयट होने से रोकने के लिए जो हाल बाकी कंट्रीज़ का हो रहा है जैसे इंडिया का हो रहा है
उसको रोकने के लिए जापान को और चाइना को इकट्ठे होकर खड़ा होना पड़ेगा। और इनकी काफ़ी सारी मतलब अट्रैक्शन थी, काफ़ी इनको मतलब एडमायर करते थे ये चाइनीज़ कल्चर को। हमारे अगले स्कॉलर हैं लुइस फ्रॉयस। ये एक पोर्चुगीज़ मिशनरी थे जो इन्होंने हिस्टोरिया डी जापान करके अपना एक वर्क दिया है, जिसमें इन्होंने सारे मिशन के बारे में लिखा है। जापान की हमारे पास काफ़ी सारी इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकी इस रिकॉर्ड से भी आती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क जो है इनका माना जाता है। तो अब हम यहाँ पे हमने अपने इम्पोर्टेंट स्कॉलर सारे डिस्कस कर लिए हैं, अब हम शुरू करते हैं जापान से। तो आज हम करने लगे हैं पॉलिटिकल सिस्टम इन जापान। तो जापान में क्या था पहले, हमारा एक एम्परेजोर पीरियड में डिस्कस करने जा रही हूँ, जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। वो है बेसिकली हमारी 16th 17th सेंचुरी की बात हो रही है। तो 17th सेंचुरी में जो टाइम पीरियड जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है वो बेसिकली था तोकुगावा पीरियड। अब देखिए तोकुगावा पीरियड, तोकुगावा जो शब्द है ये बेसिकली एक फैमिली का नाम है जिसमें से शोगुन निकले थे, मतलब जिसमें से शोगुन अपॉइंट होते थे। एक ही पर्टिकुलर फैमिली थी जिसमें से शोगुन अपॉइंट होते थे। अब शोगुन एक ना इनकी एक वो है पोस्ट है जिसका मतलब होता है मिलिट्री रूलर। मिलिट्री रूलर मतलब कि एक तो ये था मिलिट्री रूलर, ये मतलब इन्होंने क्या किया था, एम्परर से एक तरीके से परमिशन ली थी कि आपके नाम पे हम रूल करेंगे, इन द नेम ऑफ एम्परर। एम्परर है, पोस्ट है, एम्परर भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके नाम पे हम रूल करेंगे। और ये जो वर्ड है शोगुन, इन्होंने शोगुनेट सिस्टम शुरू हुआ था, या शोगुन का टाइटल लेके इन्होंने जापान पे रूल करना शुरू किया था। इनका जो पीरियड था तकरीबन आप देख सकते हैं 2.5 साल के आसपास है, तो 2.5 साल तक शोगुन का रूल रहा था। और तोकुगावा पीरियड भी इस टाइम पीरियड को कहते हैं क्योंकि तोकुगावा फैमिली थी वो जिसमें से शोगुन अपॉइंट होते थे, वो एक ही फैमिली थी। तो हम इसको तोकुगावा पीरियड कहें या शोगुनेट सिस्टम कहें, हम इसको किसी भी तरह से पूरे चैप्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ जाना कि ये है। अब ये जो पीरियड है तोकुगावा पीरियड 1603 से 1867, इस पीरियड के काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स भी थी। इस पीरियड की खास बात ये है कि नॉर्मली वैसे तो जापान काफ़ी पीसफुल रहा है, लेकिन ये पीरियड वो था जो थोड़ा और ज़्यादा पीसफुल था, जिसमें वॉरफेयर थोड़े से मतलब लिमिटेड थे, जिसमें डिस्टर्बेंस बहुत मिनिमम थी, और इसमें फॉरेन ट्रेड को भी थोड़ा सा लिमिट किया गया था। क्यों लिमिट किया गया था, क्योंकि क्या हुआ था, शोगुन्स के अंदर भी फॉरेन ट्रेड चल रहा था, लेकिन क्या हुआ था, कुछ मिशनरीज ने आके जापान में आके तकरीबन कई लाख जापनीज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। जब ये इन्फॉर्मेशन आई शोगुन्स के पास तो उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न जो ट्रेडर्स थे उनका इंटरेक्शन, वेस्टर्न लोगों की इंटरेक्शन जापनीज के साथ बहुत ज़्यादा लिमिट कर दी, बहुत ज़्यादा लिमिट कर दी, लिमिटेड कर दी। आप ये सोचते हो काफ़ी हद तक जैसे चाइना ने अपने आप को आइसोलेट किया था, जापान भी अपने आप को थोड़ा बहुत आइसोलेट करने लग गया था। तो जापान भी काफ़ी टाइम तक आइसोलेट हुआ। अब इसमें ये हुआ था साथ में कि इनका जो मेन रिलीजन था वो तो शिंटो। अब क्यों मिशनरी जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने से इनको दिक्कत होने लगी, क्योंकि इनका अपना रिलीजन था शिंटो, और इनको लगता था शिंटोइज़म को छोड़ के, मतलब जो एंशियंट रिलीजन जो जापान का अपना ओरिजिनल रिलीजन है उसको छोड़ के अगर किसी और भगवान को ये मानेंगे, किसी और गॉड को ये पूजेंगे, तो ये इनकी जो आस्था है अपने रूलर में, अपने शोगुन में, अपने एम्परर में, जो लॉयल्टी है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जापनीज़ में बचपन से रिलीजन एक मतलब आपको बच्चों को सिखाया जाता है, बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई यू हैव टू बी लॉयल, आपको बड़ा लॉयल होना है अपने रूलर के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए। तो उनको लगा इस चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। शोगुन्स जो थे ये, अब ये एक पोस्ट थी, ठीक है, शोगुन अपॉइंट हो गया उस टाइम पे, जिस पर टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तकरीबन 250 डोमेन्स में पूरा जापान, जो चार मेन आइलैंड्स है ना जो मैंने हमने शुरू में देखे थे, वो तकरीबन पूरा जापान जो था 250 डोमेन्स में डिवाइडेड था, और हर डोमेन का एक दायमो होता था। ये जो नीचे मैंने टर्म लिखी है, अब दायमो क्या होता है, वो होता है मिलिटरी लॉर्ड। याद रखिएगा शोगुन मतलब मिलिटरी रूलर, ठीक है, जो एम्परर के नाम पे जापान में रूल कर रहा है, एक ही पोस्ट है। और 250 डोमेन्स में हर डोमेन का एक दायमियो, जिसको आप डोमेन लॉर्ड भी कह सकते हो या आप मिलिट्री लॉर्ड भी कह सकते हो, जिसके अंदर हर दायमियो के अंदर काफ़ी सारे सामुराइज होते थे। सामुराई मतलब वॉरियर क्लास के लोग, मतलब जैसे सेना, वॉरियर क्लास मतलब सामुराई, मतलब काफ़ी सारे जैसे को आप सेना कह सकते हो, ठीक है, मिलिट्री के जो बंदे होते हैं वो सारे दायमियो के अंदर। अब जैसे कोई दायमियो है, डिपेंड करता है
कितना स्ट्रांग है, कितनी उसमें मतलब कैपेबिलिटी है, वो कितने सामुराइस को रख सकता है। कई 5,000 भी रखते थे, कई 2,000 भी रखते थे, कई 6,000, 7,000, 10,000, जैसी उनकी कैपेबिलिटी है। तो हर डाइमियो के अंडर कुछ सामुराइज होते थे, कुछ मिलिट्री मैन होते थे जो उन्हीं के लिए बहुत लॉयल होते थे। मतलब अगर एक डोमेन का डायमियो दूसरे डोमेन के ऊपर हमला करना चाहेगा तो ये सारे के सारे सामुराइज उसके साथ, मतलब इन सामुराइज की आपस में लड़ाई, मतलब भिड़, मतलब एक डोमेन का डायमियो दूसरे डोमेन के डायमियो के साथ जब लड़ाई करता था तो ये सारे सामुराइज इकट्ठे हो जाते थे अपने अपने लॉर्ड के साथ। देवर वेरी लॉयल। और सामुराइज का ये होता था कि इनकी जो क्लास होती थी, इनके लिए लिखा, इनके लिए बताया जाता है कि इनकी जो ट्रेनिंग होती थी ना, वो हमेशा से ऐसी होती थी कि भाई आप सामुराई हो तो आप अपना इफेक्शन अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स तक को शो नहीं करोगे। आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस शो करो, अपने इमोशंस को पूरे कंट्रोल में रखो। एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको जीनी है। और जो सामुराई क्लास है, सामुराई क्या, बाकी भी जो क्लासेस होती है, जैसे मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया है, सामुराई के बच्चा जो होता था वो सामुराई ही बनता था। मतलब उसने सामुराई ही बनना है आगे जाके, वो किसी और क्लास में फिट नहीं आएगा। ये जापान का बड़ा ही स्ट्रिक्ट और रिजिड सिस्टम भी होता था। जैसे इंडिया में पहले टाइम पे सिस्टम होता था ना कि भाई डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा है तो इंजीनियर बनेगा, वैद्य है, वैद्य मतलब टीचिंग में लाइन, कोई ब्राह्मण है तो वो उसका बच्चा ब्राह्मण ही होगा। उसी तरीके से जापान में भी था कि भाई बड़ा स्ट्रिक्ट और रिजिड क्लास सिस्टम, ये क्लास सिस्टम था। ठीक है, इसको हम क्लास सिस्टम कहेंगे, कास्ट नहीं, क्लास सिस्टम। ठीक है, तो ये भी बहुत रिजिड सिस्टम था इनका और ये फॉलो होता था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि तोकुगावास के अंदर डेवलपमेंट्स क्या हुई थी। अगले लेक्चर में जब ये, अभी हम ये देखेंगे कि 250 साल में तोकुगावास की क्या क्या अचीवमेंट्स थी, क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि तोकुगावास का जो डाउनफॉल क्या, बेसिकली तोकुगावा क्या वजह थी कि तोकुगावा जो रूल था उसे हटा के दोबारा वापस से एम्परर सिस्टम आया। ठीक है, तोकुगावा ये पोस्ट हट गई और डायरेक्ट एम्परर आ गए। ठीक है, अब इसमें ये था कि जो तोकुगावा पीरियड था, ये जो 250 साल का पीरियड था, इसमें हम नोट करते हैं कि ये 17वीं सेंचुरी में क्योतो और ओसाका नाम के दो बड़ी लार्ज सिटीज़ डेवलप हुई। क्यों डेवलप हुई? ये जो डायमियोज होते थे, इनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए शोगुन्स ने क्या किया हुआ था कि इनकी ना ऑल्टरनेट अटेंडेंस का एक सिस्टम था। ऑल्टरनेट अटेंडेंस का मतलब ये होता था कि डायमियो जो है वो शोगुन के पास, मतलब वो कैपिटल में जाएगा, एक टाइम पे अपने कैपिटल में जाएगा, उसके उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड कैपिटल में निकालने के बाद, शोगुन के पास निकालने के बाद, शोगुन तो कैपिटल में ही होगा ना, तो वहाँ पर निकालने के बाद वापस अपने डोमेन में जाएगा। और जब वो अपने डोमेन में जाएगा जिसका वो लॉर्ड है, वहाँ वो अपने परिवार को साथ लेके नहीं जाएगा। तो ये एक ना मतलब ऑल्टरनेट सिस्टम का, कुछ कभी ये होता था कि अच्छा इन कुछ प्रांतों के डायमियोज आके थोड़े टाइम के लिए कैपिटल में रहे, अपने परिवार के साथ रहे, उसके बाद वो वापस अपने डोमेन में जाएंगे तो दूसरे डोमेन के कैपिटल में जाएंगे, शोगुन के पास रहेंगे। तो इस तरीके से डायमियोज की पावर पे शोगुन का एक चेक भी रहता था कि ये कहीं मेरे ही अगेंस्ट, क्योंकि इनके डायमियोज के अंडर बेसिकली तो सामुराइज है, वॉरियर क्लास है पूरी। तो शोगुन का एक ना इनके ऊपर एक तरीके से पावर चेक होता था कि कहीं कल को ये सामुराइज को इकट्ठा करके मेरे ही अगेंस्ट, या कहीं इकट्ठे होके सारे डायमियोज मेरी ही पावर को एक चैलेंज ना दे दे कि भाई आप हटो अब, अपनी हम मुझे गद्दी से ना हटा दें। तो इसलिए इस तरह से जो ऑल्टरनेट अटेंडेंस सिस्टम था डायमियोज का, ये एक चेक भी होता था डायमियोज की पावर पे। और शोगुन के पीरियड से पहले, जो ये तोकुगावा पीरियड से पहले, ये भी हमने देखा है जापानीज हिस्ट्री में कि डायमियोज इनका काफ़ी आपस में ना, एक डोमेन का डायमियो दूसरे डोमेन के डायमियो के साथ काफ़ी इनकी रिलेशंस, काफ़ी मतलब वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती थी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, थोड़ा पीसफुल रखने के लिए कंट्री को, इन्होंने काफ़ी सारी स्टेप्स लिए थे। अब डायमियोज ये करते थे कि जब वो अपने प्रोविंस में होते थे तो अपने अपने कैपिटल में होते, अब इनका जो डोमेन है उसकी भी तो कैपिटल होगी। ठीक है, उसकी जो कैपिटल होगी वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, सामुराइज मोस्टली वहाँ पे अपने बुला के रखते थे। तो कई कई केसेस में हम देखते हैं कि सामुराइज मोस्टली जो है डोमेन की कैपिटल में है। तो दैट मींस कि 5,000-6,000 जो सामुराई हैं वो कैपिटल में है। तो उससे क्या होता था, एक पर्टिकुलर एरिया की, एक पर्टिकुलर रीजन की, एक पर्टिकुलर सिटी की पॉपुलेशन बढ़ जाती थी। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके साथ साथ और चीज़ें भी डेवलप होंगी। फॉर एग्जाम्पल, क्योटो ओसाका में लार्जेस्ट सिटीज़ बन गई क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई। ईडो, जो कि हमारा जो टोक्यो का पुराना नाम है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी बन गई वर्ल्ड की, जहाँ यूरोप में
ठीक है। अब जापानीज, अब यहाँ पे आप डेवलपमेंट देखो तोकुगावा की, हालांकि यहाँ पे ट्रेड बड़ा लिमिट कर दिया इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, स्टिल आप इसकी यहाँ पे अर्बन ग्रोथ की डेवलपमेंट देखो, जहाँ पे इसी टाइम पे 17th सेंचुरी में, जहाँ यूरोप में 1 या 2% लोग गाँव गाँव सॉरी सिटीज़ में रहते थे, 1 या 2%, उससे ज़्यादा नहीं, जापान में 5 से 6% लोग सिटीज़ में रहना शुरू हो गए थे। कहाँ वहाँ पे, यहाँ पे क्योटो और ओसाका लार्जेस्ट सिटीज़ बन गए थे, और यूरोप में एक एक सिटी ही था जो बहुत बड़ा था मुश्किल से। कमर्शियल इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ कमर्शियल इकोनॉमी, अब जहाँ पे लोग आएंगे वहाँ पे और चीज़ें लोगों से रिलेटेड डेवलप होगी, बैंकिंग, कॉमर्स, मार्केटिंग, आपका स्टॉक, जब अगर कॉमर्स डेवलप होगा तो बैंकिंग, आपका स्टॉक मार्केट और ये सब भी डेवलप होगा। मर्चेंट्स जो होंगे, उन जो मर्चेंट्स थे उन्होंने पेट्रोनाइज, अब यहाँ पे जापान की बात है कि मर्चेंट्स ने यहाँ पेट्रोनाइज किया, या यूँ कह लीजिए प्रमोट किया थिएटर और आर्ट को। भाई आप मतलब एंटरटेनमेंट का सोर्स भी यहाँ पे, कॉमर्स भी यहाँ पे डेवलप होगा, हर चीज़ डेवलप होगी जहाँ पे पॉपुलेशन ज़रा भी अगर एक पर छोटे एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगी, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ये ऑब्वियस डेवलपमेंट्स है, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे यूरोप की तो हम तब भी देखेंगे कि ये बड़ी ही ऑब्वियस डेवलपमेंट्स हैं जो होती हैं एक ही किसी भी रीजन में, जहाँ बहुत ज़्यादा अलग अलग एरिया से पॉपुलेशन आके इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो कुछ डेवलपमेंट्स थी तोकुगावा पीरियड की जो बहुत ही मानी हुई हैं, बहुत ही अच्छी भी थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इन्होंने निशिजिन में सिल्क इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया, डेवलप किया, और उसकी जो सिल्क थी वो उस टाइम पे, इस टाइम पे वर्ल्ड की बेस्ट सिल्क मानी गई। ठीक है, इसी टाइम पे बाय चांस जो जापनीज लोग थे उन वहाँ प्रिंटिंग के बारे में इनको बहुत पता था, जापान से बाहर यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी, 14th सेंचुरी में ही आ चुकी थी, रेनेसां के पीरियड में ही हम ये डेवलपमेंट देख लेंगे। लेकिन 17th सेंचुरी जापान में, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस इनको ज़्यादा पसंद नहीं थी यूरोप की, ये अभी भी ब्लॉक प्रिंटिंग से ही अपना वहाँ पे प्रिंटिंग करते थे, और यहाँ पे ये हाल था कि रीडिंग की जो हैबिट थी लोगों में इतनी डेवलप हो गई थी कि आप रेंट पे किताबें ले सकते थे, बड़े ही मतलब एक जो नूडल का जो एक जो बोल है, जो आप खरीदने में जितने पैसे लगते थे उतने ही पैसे में ये लोग बुक को रेंट कर पे लेके पढ़ सकते थे। तो रीडिंग हैबिट्स भी डेवलप हुई, तो इसका मतलब ये भी था कि लोगों में अवेयरनेस, बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी, अवेयरनेस बहुत बढ़ने लगी। तो ये मेजर डेवलपमेंट्स हैं तोकुगावा पीरियड की। अभी के लिए मैं यहाँ पे इतना ही करूँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो, और इसके आगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीक नहीं की थी कोई वीडियो अपलोड, तो इसके आगे की वीडियो जो है मेजी रेस्टोरेशन से मैं शुरू करूँगी, मेजी पीरियड से मैं शुरू करूँगी, जिसकी इंट्रोडक्शन मेजी एम्परर और सारी इंट्रोडक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और ये भी बताऊंगी, अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि जापान बहुत ही बंद है, अभी हमारा इट्स लाइक कि एक